नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जबकि बिहार में इलेक्शन का दौर चालू है, एनडीए की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, सभी अपने इस राजनीतिक दौर में व्यस्त है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दरभंगा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया और कहा है कि 8 नवंबर को दरभंगा से दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत खुशखबरी की खबर है। दरभंगा एयरपोर्ट से शुरू होने का इंतज़ार लंबे समय से आप सभी को और हमें भी रहा है। ये अब 8 नवंबर 2020 से इसकी शुरुआत हो रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को ट्विटर हैंडल के जरिए बात की जानकारी दी है। दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो जाने के बाद आसपास के जिले मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण के लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। जबकि यहाँ पे इससे पहले भी कई सारे बिहार में एयरपोर्ट है। इसके अलावा जो लोग महानगर से नेपाल जाते हैं उनके लिए भी यह बहुत बड़ी सुविधा है। नेपाल के अलावा पूर्व में असम से लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसकी फ्लाइट की टाइमिंग भी यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है जानकारी, और यहाँ से दिल्ली दरभंगा, मुंबई दरभंगा और बेंगलुरु दरभंगा हवाई सेवा शुरुआत करने जा रही है। टाइमिंग की बात करें तो दिल्ली से दरभंगा फ्लाइट दिल्ली से 2:10 से उड़ान भरेगी और 3:55 में दरभंगा पहुंचेगी। बेंगलुरु से विमान सुबह 8:45 से उड़ान भरेगी और दरभंगा सुबह 11:15 में पहुंचेगी। मुंबई से सुबह 9:40 में उड़ान भरेगी और दोपहर 12:10 में दरभंगा पहुंचेगी। दूसरी तरफ दरभंगा दिल्ली फ्लाइट सुबह 11:45 उड़ान भरेगी और दिल्ली सुबह 1:30 पहुंच जाएगी। दरभंगा बेंगलुरु फ्लाइट शाम 4:25 पर उड़ान भरेगी और 6:55 पर बेंगलुरु पहुंच जाएगी। दरभंगा मुंबई फ्लाइट दोपहर 12:40 उड़ान भरेगी और 3:10 पर पहुंच जाएगी। जबकि आपको हम अपने वीडियो में बताते रहे कि यहाँ पे 8 नवंबर को यहाँ से फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी और इसका पुख्ता सबूत भी अब मिल चुका है रविशंकर प्रसाद द्वारा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर हैंडल पर अपने ट्वीट करके कहा है 8 तारीख से पहली उड़ान भरेगी। अब देखना यह है कि कहाँ कहाँ के लिए पहले उड़ान भरी जाती है और इसका किराया कितना रहता है, क्या क्या सुविधा यहाँ पे प्राप्त होता है, इससे दरभंगा को कितना विकास होता है और यहाँ से आसपास के जितने भी जिले इसको क्या फ़ायदा इससे मिलता है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब देखना हमें ये ज़मीनी स्तर पर कितना फ़ायदा इसका प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दोस्तों बेल घंटी भी दबा दें जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों आज का हमारा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।